गुड न्यूज कुछ है पढ़ने वाली, क्या बात है। और ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत खुशी का चीज है, यहाँ कुछ ऐसा है मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिल ही चीज है। इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर रही है। ये तो लाइफ में बहुत जरूरी होता है कि मतलब इसके बिना सब कुछ अधूरा है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हम हैं जी नैन्सी दीदी के यहाँ, और नैन्सी दीदी के यहाँ से जा रहे हैं, जैसा कि अपने ब्लॉग का जो टाइटल है उसमें देख लिया होगा। हम जा रहे हैं जी अपने भाई से मिलने, और जिया जा रही है अपने देवर देवरानी से मिलने। तो सभी को चलते हैं, और क्रियांश हमारा जो है वो भी अपने चाचा चाची से मिल लेगा। और क्रियांश का क्या रिएक्शन रहता है चाचा चाची को देखने के बाद, बड़ा देखने लायक रहेगा, क्योंकि वह नई जगह में रहेगा और वहाँ पर पहचानेगा कि नहीं इनको, तो देखने लायक। तो हम लोग आ गए लिफ्ट में, और प्रियांश बहुत ज्यादा खुश है, पापा को प्यार कर रहा है, प्यार में ही वाह कितना प्यार कर रहा है। चलो निकलो लिफ्ट से, तो चलते हैं जी, गाड़ी लेते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं। और इस पार्किंग में जो है, अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रखे तो अच्छा खासा भटक जाइएगा। भूलभुलैया से कम नहीं है पार्किंग, दो फ्लोर में है, तो गाड़ी हमारी उधर लगी हुई है। चलते हैं गाड़ी लेकर के आते हैं। तो अपने भाई के घर के करीब तो लगभग पहुंच ही चुके हैं जी, और बगल में ये मिठाई का दुकान, तो सोचा कि कुछ मिठाई ले लेते हैं। अच्छा खासा वैरायटी का मिठाई है, लेकिन हमको सारे मिठाई में जो है सबसे अच्छा जो लगता है वो लगता है जी काजू कतली। उसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो वहाँ पर काजू कतली जो है भैया कर रहे हैं पैक, ये ले लिया जी हमने मिठाई, इसको रख देते हैं, ये रख लो इसको, और क्रियांश अपना तभी मचा रहा होगा तब तक। A few moments later. तो अभी हम आ गए हैं रितू के घर, और ये लोग गए हुए हैं नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। यहाँ पार्किंग का समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे पार्क करें। और चलिए मैं बातें मैं रितू से क्या हुआ, रितू से मिला, चाहिए ये कोल्ड ड्रिंक, क्या चाहिए? अब जाएगा, देखो देखो कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहे हो भैया? देखो चाची तुम्हारे लिए क्या रखी है, तुम्हारा फेवरेट चिप, देखो तो पूरा घर देखेगा कैसा क्या है, कहाँ रहती है हमारी चाची, हाँ चेक कर रहा है कहाँ क्या है सब, दिमाग लगा रहा है कहाँ क्या कर सकते हैं, लगाओ दिमाग क्या कर सकते हो। तो ये है रितु का प्यारा सा मंदिर, जो कि बहुत सुंदर है। वाह मंदिर तो बहुत सुंदर है तुम्हारा, हाँ यहाँ लगा दी तो और अच्छा लग रहा है। पापा ठीक है? अच्छा क्या गिर जाएगा वो कोल्ड ड्रिंक है क्रियांश? वाह अब रितु को दे दीजिए, क्रियांश रितु को दे दीजिए, गिर जाएगा, चाची को दे दीजिए, दे दीजिए, बिल्कुल नहीं, ये भाग गया, नहीं लेंगे लल्ला, पेट पे गिरा नहीं, नहीं लेगी मम्मा, नहीं लेगी, नहीं लेगी, नहीं लेगी। ये तुम्हारे लिए प्रसाद और बोले क्या है खाटू श्याम का, दे दो रितु को, मम्मी और दिमाग लगा रहा है, अब तुमको दिमाग लगाया फिर अब तुम ऑन करो, फिर दिमाग लगा रहा है, अब क्या करें, अब क्या करेगी, क्या बोलो, क्या बोलो, दिमाग लगाता है ऐसे ऐसे और फिर सोचता है क्या करें। अब पूरा गीज दिया दीवार, तो हम लोग आए रितु के घर, और मेरा बेटा जो है ना पूरा सामान रितु का तहस नहस कर दिया, सारा कुछ इधर से उधर, और मम्मी मम्मी कह के रितु को पोट पोट के सारा काम करवा रहा है। तो कैसा लग रहा है तुमको यहाँ आए, बोलो बोलो कैसा लग रहा है, क्रियांश आया तुम्हारे घर पे, आज बहुत लग रहा है क्रियांश मेरे घर पे।
लास्ट टाइम आया था ना तो किरण बहुत छोटा था, इस बार आया है तो पूरा लग रहा है कि हाँ कोई बच्चा आया है। सारा सामान इसका उठा उठा के बैल्कनी से नीचे फेंक रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। नहीं तो किसी के घर जाता है ना तो बहुत चिल्लाता है। ये नए घर पे किसी के घर पे जा रहा था जाता है तो उसके पापा कह रहे थे कहीं वहाँ जा कर के रोना धोना इसका स्टार्ट ना हो जाए। बोले नहीं नहीं रोएगा क्योंकि ये ना इसको याद रहता है, किसी से मिल लेता है ना एक बार कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है ना तो उसको याद रहता है। हाँ ये अपने आदमी को पहचानता है। और ये अभी ना कुछ खाना पीना नहीं चाह रहा है, बस बदमाशी कर रहा है इधर से उधर। कुछ नहीं खाता है ये, जैसे जैसे पता है दाल रोटी आलू का भुजिया ये सब मैं थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ, नहीं तो ये कुछ भी खाना ही नहीं चाहता है। पता नहीं पहले सब कुछ खा लेता था, आजकल कुछ खाना ही नहीं चाहता है। और इधर जो है कितना बदमाशी करता है, देख रही आज चाची परेशान कर दिया है। बाप रे बाप। अभी ऋतु बना के लेके आई है चाय मेरे लिए। बाप उधर पूरा घर का तहस नहस कर देगा, तो वो 3-4 दिन लगेंगे पूरा रूम ठीक करने में। इसको पेन जब भी देखता नहीं है, पेन देख के रह नहीं सकता चाहे कोई भी क्यों नहीं, उससे पेन ले लेता है ये। अभी सब्जी का दौरी लेकर ये क्या किया ये बहुत टाइम हम लोग बैठे बातें की और ये तो कुछ बोलती नहीं। आप लोग कमेंट भी करते हो कि रितु क्यों नहीं बोलती, अब यही बताइए क्यों नहीं बोलती हो, बताओ बोलो क्यों नहीं बोलती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे ब्लॉग में नहीं बोलती, ये बोलती ही कम है ना। हाँ बस ये ना मेरे से ही मुझे लगता है बैठ के बातें भी करती है थोड़ा बहुत, बाकी और किसी से उतना बात भी नहीं करती है। और पता है इसका नेचर ही है कि बहुत कम बोलती है और मैं बोलती हूँ, मुझे जितना बात करना होता मैं कर लेती हूँ। जो अनजान लोग रहते हैं थोड़ा उनसे मैं कम बात करती हूँ, बाकी मैं सबसे बात करती हूँ, मुझे नहीं तो थोड़ा इसमें अलग है तो कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा। और आप में से बहुत लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि रितु क्यों नहीं आई, शायद वो गुड न्यूज़ कुछ है। नहीं कुछ गुड न्यूज़ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं ये छुपाने वाली क्या बात है। और ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत खुशी का चीज़ है तो इसको मैं प्राउडली बताऊँगी कि हाँ कुछ ऐसा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों का भी मैं गलत नहीं समझती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है तो उनको लगता है कि हाँ इस यही चीज़ है इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। नहीं अभी इसका पढ़ाई लिखाई चल रहा है तो मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं इसको करना चाहती हूँ। एक बार जब ये अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी फिर जैसे होता है वो होते ही रहेगा, अभी पहले इसको लाइफ में सेटल होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी एनिवर्सरी पर नहीं आई थी तो लोगों को यही लग रहा था, तुम भी कमेंट पढ़ रही थी ना, कमेंट बहुत सारा आ रहा था कि गुड न्यूज़ है इस। एक ने कमेंट किया था कि रितु क्यों नहीं आई, आपके देवर देवरानी क्यों नहीं आए, और उसके नीचे कमेंट था वो प्रेग्नेंट है इस वजह से नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी ऐसा होगा तो मैं खुशी से बताऊंगी। मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन होगा वो जब ऐसा कुछ आएगा, तो अभी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, जब आएगा तो मैं आप लोगों से बेफिक्र होकर के बताऊंगी। आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, आप लोग भी प्रे कीजिए कि जल्दी से ये लाइफ में सेटल हो जाए और वो खुशी का दिन आए, है ना, अभी वो ज़रूरी है। ये तो लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब इसके बिना सब कुछ अधूरा है, तो जब दोनों चीज़ आ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है ना। 12 seconds later यहाँ पे ऋतु लगा रही है हम सभी का खाना, हम तो खा के आए इसलिए हमको हमने मना भी किया कि हम तुरंत खाना खा के वहाँ से चले हैं, फिर भी इसने खाना बनाया और खाने बना हुआ है चावल और ये बना है पनीर की सब्जी, बहुत गर्म है देख सकते हैं, मटर पनीर की सब्जी जो कि एकदम मस्त, देखने में तो बहुत ही मस्त लग रहा है, खाने में भी अच्छा होगा। बाकी ये है इसका प्यारा सा छोटा सा किचन जो कि बहुत ही प्यारा है, जब हम लोग भी चंडीगढ़ में रहते थे ना ये जॉब करते थे तो इससे भी छोटा किचन था हमारा, जो भी हमारा पहले से वीडियो रेगुलर देखते आ रहे होंगे उनको पता होगा। तो ऐसे ही छोटे से बड़ा सब कुछ होता है, धैर्य रखना चाहिए बस। और बहुत ही प्यारा है ये इसका घर, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, एकदम दो आदमी रहने लायक बहुत है। तो यहाँ सलाद काट लिया है और इधर देख सकते हैं ये है इसका मंदिर,
और यहाँ पे ये दोनों अपना पढ़ाई करते हैं। ये है प्यारा सा कूलर और ये सारा बुक है इन दोनों का। और सबसे अच्छा ना मुझे यहाँ पे लगा, यहाँ से बालकनी से आप पूरा व्यू ले सकते हैं बाहर का एकदम मस्त। और मेरा बेटा ना बार बार मेरा बिंदी उखाड़ के हटा देता है, तो बिना बिंदी का मुझे अपना शकल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चा है, कितनी बार मैं मना करूं लेकिन वो फिर भी हटा ही देता है। उसको ना पता नहीं बिंदी अच्छा लगता है या फिर बिंदी हटाने में उसको अच्छा लगता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली में। आप लोगों के इधर कैसी गर्मी है बताइए? यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारे कटिहार में भी गर्मी है लेकिन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। क्या हुआ? यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है। खाने में है पनीर मटर की सब्जी और चावल सलाद, भिंडी का भुजिया, दही। आज साथ में खा रहे हैं बहुत दिनों बाद। यहाँ पर रितु ले चुकी है दही। देखिए मेरे में ज़्यादा देती है, अपने में कम। गलत बात, सब्जी भी मेरे में ज़्यादा देती है, अपने में कम। इसलिए तुम्हारा ये हाल है और मेरा हाल ऐसी ही ऐसा है। तो खाओ जल्दी से खाना, ठीक है? हम तो खा के भी आए, तुम लोग तो भूखी ही होगी अभी तक। नहीं, वेट कर रही थी, अभी 4:30 बज गए, हम तो खाना नहीं खाए। हम तो खाना खा के आए थे, दीदी भी खिला दी थी थोड़ा सा, तो जल्दी से खाना खाते हैं। A few moments later. तो हमने खाना पीना खा लिया और अब चलते हैं थोड़ा सा मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना है, तो चलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट, तो देखने रही तू कहाँ ले जा रही है। मुझे तो यहाँ का कोई आइडिया नहीं है। रितु के साथ जा रहे हैं, बिंदी यहाँ पे बिंदी बिंदी ले, मतलब होलसेल टाइप का लग रहा है यहाँ पे। आधे टाइम हमको बिंदी भी लेना है, मेरा बेटा सारा बिंदी मेरा फेंक देता है। तो हम लोग आ गए हैं कपड़े के शॉप पे। तो इधर सूट हमने लिया है, दिखा दूँ मैं आपको। ये है हमारा सूट जो कि बहुत ही प्यारा है। एक इधर भी है सेम बहुत सुंदर। इसका फैब्रिक ना मुझे बहुत अच्छा लगा और कलर भी बहुत सुंदर है। पहले हमने वो कॉटन वाला पसंद किया था, फिर ये अच्छा लग गया मुझे। ठीक है ना फैब्रिक? हाँ, फैब्रिक बहुत अच्छा है। कटआउट नहीं है ना? ये भी एक, ये भी पैक कर दो सेम। ये रहा हमारा सूट, एक ये अब मेरे लिए, एक रितु के लिए। सेम पहले तो मैं सोची थी बस रितु के लिए लूँ, अपने लिए नहीं लूँ। फिर हमने सोचा कि ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, लालच आ गया था, हमने भी ले लिया। मैं तो फिर सोचा था कि एक ही लूँगी मैं सिर्फ रितु के लिए। लड़कियों को लालच आ ही जाता चाहे कितने भी कपड़े क्यों ना रहे। तो मोनू और रितु की यहाँ से जी हम लोग आ गए और यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस समय बारी है नैन्सी दीदी के जो सास ससुर हैं उनके विदाई की। हमारे जीजा जी के जो माता पिता हुए वो सभी विदा हो रहे हैं, तो उन सभी को लेकर के चलेंगे हम स्टेशन और यहाँ से उन लोगों को जाना है बनारस। तो लिफ्ट को अभी आने में समय है। अच्छा 21 पर आ गया, कोई नहीं, ठीक है। दोबारा थोड़ा स्टेशन तक चलेंगे ना, उधर चले जाएंगे।